उस उम्मीद के चक्कर में ये कहते हैं कि साहब हमारी ज़िंदगी तो मौत के बाद ही शुरू होगी असली ज़िंदगी, ये तो वी आर इन अ, जिसको तारिक फतेह साहब अक्सर कहते हैं ना कि ट्रांजिएंट लाउंज है ये, जो कहते हैं कि लाउंज में बैठे हैं अभी दूसरी फ्लाइट पकड़नी है। सो दैट इज़ द इंटायर कॉन्सेप्ट नाउ। जब तक आप पाकिस्तानी ऑफिसर्स को, पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स, नेवी और एयरफोर्स का भी नहीं, पुलिस का भी नहीं, पाकिस्तानी पुलिस, रेंजर्स का भी नहीं, इसमें किसी का कोई, रेंजर्स के ऑफिसर वैसे भी पाकिस्तानी आर्मी से आते हैं लेकिन रेंजर्स एज अ फोर्स नहीं, पाकिस्तानी आर्मी स्पेसिफिकली, जब तक उनके अफसरों का खून नहीं बहेगा, उनके जवानों का खून नहीं बहेगा, तो तब तक ये मामला सुलटेगा नहीं। और क्यों नहीं सुलटेगा मामला? इसलिए सॉल्व नहीं होगा वैभव, क्योंकि जब पाकिस्तान दहशतगर्द हिंदुस्तान भेजता है तो हमारे फौजी मारता है, राइट? हम जब वापस जवाबी कार्रवाई करते हैं, हम तो उनके वो मदरसा छापों को मार रहे हैं जिनकी ना पाकिस्तान में वैल्यू हो ना इंडिया में वैल्यू हो। भाई हाफिज सईद कहाँ से लाता है? हाफिज सईद कोई ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और हार्वर्ड से थोड़ा ना लोग लेकर आता है, वो तो नुक्कड़ वाले मदरसे से खींच के लाता है लोगों को, जिनके पास वैसे भी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है। 8-10 भाई हैं, सब गुर्बत में पड़े हुए हैं, किसी का कोई डेली लेबरर है, कोई कोई रेड़ी लगा रखा है, उसको जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है कि मेरी जिंदगी में बेहतरी होगी। अब उसको यही है कि मैं मर जाऊंगा तो मुझे बेहतर उरें मिल जाएंगी, मैं मर जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा, तो कैसे मरूं? चलो इंडिया सामने राष्ट्र राइफल्स आपकी तमन्ना तो पूरी कर ही देगी ना, आप आरआर के सामने आकर आरआर ने ठोक देना है आपको, तो चलो यू बिलीव दैट यू विल गो टू अ बेटर वर्ल्ड। रावण के आप सर काटते रहेंगे और सर उगते रहेंगे, मैं आपको यह बता रहा हूं कि कहां पे मारना है। वो नाभि है जिसके अंदर वो अमृत का कलश है ना, वो रावलपिंडी है, वो पाकिस्तान है। तो 5 कोर कराची का मैंने नाम लिया क्योंकि कराची में टारगेट किलर्स हैं। आपको अपनी स्पेशल फोर्सेस नहीं भेजनी, आपको कुछ नहीं भेजना। दोस्तों जैसा कि मेजर साहब ने कहा कि पाकिस्तान के जो जिहादी हैं उनकी मानसिकता क्या है, उनकी सोच क्या है, उनके जहन में ये चीज भरी गई है कि आपको 72 होरों से मिलने का मौका अगर चाहिए, उनसे मिलना है तो आपको कत्लेआम मचाना होगा। और इसी की राह पर पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं जिनको कोई मतलब नहीं है कि जिनको वो मारने जा रहे हैं वो कहां का है, किस मुल्क का है, किस जगह का है। भारत में कश्मीर में जिस तरह से दहशतगर्द को भेजकर मासूम लोगों की हत्या की जाती है, ऐसा ही नजारा बलूचिस्तान प्रांत में भी सामने आया है। दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादियों ने अल्पसंख्यक शिया समुदाय हजारा के 11 कोयला खनिकों का अपहरण करने के बाद उनको गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसका भी ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ दिया है। उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए भारत का नाम ना लेते हुए भी इशारों इशारों में भारत को कहा है कि भारत पाकिस्तान में सांप्रदायिक हिंसा भड़का रहा है, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में गैर सुन्नी मुस्लिमों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उन्हें किस नजर से देखा जाता है। इमरान साहब की हिम्मत नहीं है कि जाकर उन लोगों से मिले, इसीलिए उन्होंने शेख रशीद को भेजा था कि आप जाइए उनसे मिलकर आइए। और जब शेख रशीद वहां पहुंचते हैं तो जब प्रदर्शनकारी उनसे एक सवाल करता है कि आप हमें दिलासा देते हैं लेकिन हमेशा उल्टा ही होता है, तो शेख रशीद कहते हैं इस पे हम क्या करें। लेकिन जब आवाज बुलंद हुई तो कहते हैं कि हम सब ठीक कर देंगे, आप जहां जहां जाएंगे सुरक्षा आपके साथ रहेगी। ये हालात हैं पाकिस्तान में, एक इंसान आजाद नहीं, आजादी से घूम नहीं सकता। मेजर साहब ने भी जैसा कहा कि इनका जो मेन पॉइंट है, जो एक जैसे जो रावण है वो वहां की आर्मी है, आप उसे कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? अभी एक मैं किसी की फुटेज देख रही थी, किसी साहिबा की, और वो कह रही थी कि आखिरी मर्द, आखिरी आदमी उनकी फैमिली का था जिसको मार दिया गया। और ये हजारा के साथ पहली दफा नहीं हुआ है, पहले भी बेशुमार बार हुआ है। क्या लग रहा है आपको कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक मजहबी जनूनी कैफियत है या क्या है, क्यों इस तरह से मारा जा रहा है? और हमारे यहाँ दूसरा पाकिस्तान में जो है वो एक रिलीजियस जिसे कहना चाहिए एक्सट्रीमिज्म जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है, इसको आप किस तरह देखते हैं? इन दोनों चीजों को क्या एक जगह देखेंगे या ये कुछ और है? देखें जी, इसको मैं तो कोई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझता हूँ, और ना ही मैं ये समझता हूँ कि ये कोई जो है वो इस्लाम का जो फिरका वाराना आपस में इन फाइटिंग है उसका कोई एक्स है। मैं समझता हूँ कि इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ ए वार,
और जो वार उस खत्ते में जारी है और जो कुछ हो रहा है गुज़श्ता 20-30 सालों से, तो ये उसका रिफ्लेक्शन है और उसको समझने की ज़रूरत है कि ये जो है ना, इसके कई पहलू हैं जो इस वक्त इन लोगों को बेचारे जो इनकी सिचुएशन बन गई है। जैसा कि आपने अभी फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर जो है ही डिडंट शो अप, व्हाई डिडंट शो अप, इज इट अ बिग डील टू गो टू ए प्लेस लाइक दिस, जबकि उनके पास हेलीकॉप्टर्स भी हैंडी हैं, एवरीथिंग इज नॉट क्वेश्चन ऑफ टाइम, और इससे बड़ा इम्पॉर्टेंट कोई टास्क तो उनके पास मुझे नजर नहीं आता सवाए हिजब इख्तलाफ के खिलाफ जो है वो डायरेक्शंस देने के, जो दे चुके होंगे वो। तो वो रियासत मदीना के पैरोकार हैं जिसमें दरियाए फरात के किनारे कुत्ता मरता है तो हुक्मरान जमींदार है। तो आपके जो है वो ना सिर्फ ये है कि 11 लोगों का गला काट दिया गया, बल्कि उन 11 लोगों के साथ सैकड़ों लोग जो हैं माइनस टेम्परेचर में सड़क पे पड़े हैं गुज़श्ता 3-4 दिनों से। और दिस इज द हाइट ऑफ द जो है ना वो जो आपकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, गैर जिम्मेदाराना जो है रवैया है, चूंकि हुक्मरान होते ही इसीलिए कि पहली बात यह है कि वो अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम थिंग्स लाइक दिस, और अगर वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते फॉर सम रीजन तो उनको कम अज कम जाके तसल्ली दें, उनके दुख दर्द में शरीक हों। आपने देखा होगा तरक्की याफ्ता दुनिया में एक आदमी इस तरह टेररिज्म के हाथों अगर डैमेज हो जाए किसी की प्रॉपर्टी है, वो खुद तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट खुद पहुँचते हैं बनफ्स नफीस। अब वाई ही इज रेजिस्टिंग दिस थिंग जो मुतालबा हो रहा है, इस ये समझने की चीज़ है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को ये समझना चाहिए कि वाई इज रेजिस्टिंग दिस। उसकी वजह यह है कि कुछ लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हजारा टाइप या इस तरह के लोगों को कत्ल कर दिया जाए, उनको नेस्तो नाबूद कर दिया जाए और उनको पाकिस्तान की सरजमीन से ही मिटा दिया जाए। और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उन लोगों को ये तासर नहीं देना चाहते कि वो उनसे इतफाक नहीं करते। इफ़ यू विल गो एंड स्टैंड विद दोज पीपल, वो कोई इसमें कौन सी बुरी बात है स्वाइस के आपको यही खतरा है ना कि आपका जो सपोर्ट बेस है उसको धचका लगेगा, या इसके अलावा भी कोई खतरा है कि इंडिया नाराज हो जाएगा इसबे साबक, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा जो है ट्रंप साहब को, दैट्स नॉट द केस। तो किसको अच्छा नहीं लगेगा? व्हाई इज इंसिस्टिंग ऑन नॉट गोइंग दिस 4 डेज? इसके दो ही तरीके ना, या तो आप उनको कुछ समझते ही नहीं, दे आर नॉट इवन इक्वल सिटीजन, चूंकि उनका कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, 4-5 लाख की क्वेटा में और पूरे मुल्क में मेरे ख्याल में 8-9 लाख की आबादी है, दे हैव नो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, दे हैव नो मनी, दे हैव नो जो भी पावर को, पावर हंग्री लोगों को जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं उनमें से कोई चीज़ वो ऑफर नहीं कर सकते, इसलिए प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकता। और ये आदमी अपने आप को ह्यूमैनिटेरियन और गरीबों का हमदर्द और इंसाफ और पता नहीं क्या क्या अल्फाज जो है उन्होंने इस्तेमाल किए गुज़श्ता 20 सालों से, लोगों के दिमाग चाट लिए। तो ये जो ऐसा वाकया हुआ उसमें इस किस्म का रवैया, आई एम रियली रियली अमेस्ड कि कोई प्राइम मिनिस्टर 20 करोड़ लोगों का वो अपने लोगों को ये मैसेज भी दे सकता है। वो मैसेज ये देना चाहता है कि यू आर नथिंग एंड आई डोंट गिव ए डैम, कि आपको जो मर्जी करें हम कुछ नहीं करेंगे, पूरा वहीं सड़क पे मर जाएं और मर रहे हैं। इनफैक्ट इस सर्दी में आप एक दिन बाहर गुजार के देखें, ये इसका जी जी। लेकिन भाईशानी साहब, एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगी कि एक ऐसी जगह बलूचिस्तान जहां पे जब कदम कदम पे जो है चौकियां बनी हुई हैं पुलिस चौकी, वहां पर ये दावा कर रहे हैं कि जी कोई टेररिस्ट आए और इस तरह से लोगों की गर्दनें काट के चले गए, तो मतलब बोलते हुए भी मुझे अजीब सा लग रहा है। तो एक जगह जहाँ पे हर दो कदम पे जो पुलिस चौकी है, तो क्या कर रहे थे सबके सब? क्या चर्च पी के सो रहे थे प्राइम मिनिस्टर की तरह, या क्या कर रहे थे ये लोग? कि सारी पुलिस क्या कर रही थी, सारी चौकियाँ क्या कर रही थी? कोई नशा कर रही थी कि इनको पता नहीं लगा कौन आया और इस तरह से मासूम लोगों को इस तरह मार के चला गया? देखें, इसके लिए तो आपको कोई मेरे ख्याल में ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं। आप माजी के 3-4 वाक़यात उन इलाकों में देख लें, पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जो हुए हैं, और इसी तरह हाई जो सिक्योरिटी जोन्स हैं उसके अंदर जाके तो मिलिटेंट्स जो हैं उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, जो बाद में पता चला कि उनके बंदे उनके साथ मिले हुए थे।
अब बात यह है कि आपकी ये जो चौकियां हैं उन पे जो लोग बैठे हैं, आपकी जो पुलिस है, आपका जो पूरा अपराटस जो सिस्टम आपका काम कर रहा है वो नाकाबले भरोसा है। उसमें मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। सो ना भी रहे हूँ, मुमकिन है उन्होंने पैसे लिए हूँ, मुमकिन है किसी साजिश के नतीजे में उनको खुद अलो किया हो कि आप जाके ये करें। ये तो इसका एक पहलू है जिस पे बात होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पूरे केस को समझने के लिए थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि आखिर ये हजारा ही क्यों। चूंकि शिया तो पाकिस्तान में काफी बड़ी तादाद में अहले तशी हजरात जो हैं वो उनकी बड़ी तादाद है, मस्जिदें हैं उनके जो जो है वो इमाम बाड़े हैं, दूसरी प्लेसेस हैं, तो वो बड़ी तादाद में आप कहीं भी किसी को डैमेज कर सकते हैं। तो ये बार बार ऐसे क्यों होते हैं? और आप अगर 20 सालों में देखें तो ये तीसरा चौथा वाकया है कि इतनी बड़ी तादाद में उन पे इस तरह अटैक की गई और बार बार ये रिपीट हो रहा है, लेकिन हुक्मरान तबका तो इसी तरह म्यूट हैं और आपकी ये जो चौकियां और ये आपने बात की है वो भी इसी तरीके से दे आर अनएबल टू प्रोटेक्ट देम, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन है। और मैं समझता हूँ कि इसको मैं देख रहा था कि ये बदकिस्मत किस्म की कम्युनिटी है जिसके साथ सिर्फ ये ही नहीं हो रहा बल्कि आप उनकी पूरी जिंदगी को देखें तो दे आर द विक्टिम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मल्टीपल किस्म की डिस्क्रिमिनेटोरी प्रैक्टिसेस का शिकार हैं जिसमें उनकी शक्लो सूरत, उनका हिस्टोरिकल ओरिजिन, ये सारी चीज़ें सामने रख के तो जो हमारा रेसिस्ट किस्म का और ज़ीनोफोबिस्ट किस्म का स्टाइल है, दावा हमारा है बहुत बड़े मुसलमान और पता नहीं क्या क्या पाकबाज और पूरे मुल्क का नाम ही आपने पाकिस्तान रखा हुआ है जिसका साफ मतलब है कि इसमें पाक लोग बसते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक इतनी छोटी सी माइनॉरिटी जो है मेरे नज़दीक वो हमारी प्रोटेक्शन में, हमारी से मराद द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ दैट रीजन। क्योंकि आप हिस्टोरिकली देखें, आपको तो खैर पता ही होगा लेकिन मैं ऑडियंस के लिए, ताकि ऑडियंस को पता चले कि ये लोग कौन है, कि ये 13वीं सदी से ये भुगत रहे हैं,